आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। बस और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 7 लोगों की जान चली गई, जबकि 45 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार एक्सप्रेसवे से नीचे जाकर गिरी। सूचना पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया। आज लगभग 12:30 के आसपास एक बस जो है, जो डबल डेकर बस है, जो नागालैंड नंबर की बस है, वो रायबरेली से दिल्ली जा रही थी और 12:45 के आसपास 129 नंबर के जो एक्सप्रेसवे का जो नंबर है किलोमीटर का, उस पर जो है एक सिल्वर कंपनी की इंजॉय गाड़ी से उसका टक्कर हो गई। बताया जाता है कि वो गाड़ी जो है आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया के ड्राइवर की नींद आ गई और उस मेल से क्रॉस करते हुए और इस गाड़ी जो बस आज जा रही थी दिल्ली की तरफ उससे आगे टकरा गई और बस डिसबैलेंस होकर फिर इस एक्सप्रेस वे से नीचे चली गई, खंडक में गिर गई, जिससे 60 लोग उस बस में बताया था कि बैठे हुए थे जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उसमें से 4 लोगों की डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। बाकी लोग जो इंजर्ड थे, करीब 20 से 25 लोग इंजर्ड थे, उनको एडमिट करा दिया गया, उनको प्राथमिक चिकित्सा और जो भी उनकी गहन चिकित्सा होती सारी व्यवस्था की जा रही है। उसमें 1 लोग को गंभीर बताया जाता है। इसमें 7 लोगों में जो डेथ हुई है उसमें 3 लोग उस गाड़ी के मृतक हैं, इसमें एक महिला भी शामिल है और इस प्रकार से 7 लोगों की डेथ हुई है और जो भी उसमें प्रशासन की तरफ से बेस्ट पॉसिबल इलाज होता है वो कराया जा रहा है। यूपीडा के लोग से लेकर पुलिस प्रशासन के सारे लोग देख रहे होंगे, मैं स्वयं यहां उपस्थित हूं, एडीएम साहब, एसपीआरए साहब और सभी सीओज, सभी एसडीएम यहां पर उपस्थित हैं और सभी जो है उस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। निश्चित तौर से इसमें पूरी तरह से जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद होगी रातों रात की जाएगी तथा उनको जो बचे हुए लोग थे जिनको जाना था दिल्ली, उनको गाड़ियां रुकवा करके उनको जो है उनके गंतव्य तक भेज दिया गया। कुछ लोग वापस लखनऊ या रायबरेली जाना चाह रहे थे, उनको भी बसों पर बैठा करके भेज दिया गया है। कुछ सामान वगैरह का पहचान कराई जा रही है तथा घर वालों को सूचना कराई जा रही है। बाकी शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई और समस्या नहीं है। घटना का सर क्या कारण निकल कर आ रहा है? बस मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उस गाड़ी वाले को, जो कि एंजॉय गाड़ी थी, जो कि आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी, उनको ऐसा लगता है कि नींद आ गई ड्राइवर को और वो उस लेन को जो कि क्रॉस करते हुए फिर इस लेन में आ गई जो कि दिल्ली की तरफ जा रही थी, जबकि लखनऊ वाले लेन क्रॉस करते हुए और उसे टकरा गई, जिससे बस डिस्बैलेंस होकर खंडक में गिर गई और यही घटना का प्रथम दृष्टया कारण। बता दें कि ये डबल डेकर बस रायबरेली से दिल्ली जा रही थी। रात करीब 12:30 एक कार से टक्कर हो गई। बस में 60 लोग सवार थे, जिनमें 4 लोगों की जान चली गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं कार में सवार 3 लोगों की भी जान चली गई और अब तक ये संख्या 7 हो गई। बताया जा रहा है कि बस लखनऊ से आगरा की ओर आ रही थी, इसी दौरान दूसरी तरफ से जाए लोग कार रॉन्ग साइड से लखनऊ की ओर आ रही थी और दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और कार में सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। अब पुलिस हादसे का कारण जानने में जुटी हुई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।